एमपी के युवाओं के साथ हो रहा है तगड़ा खेल। युवाओं ने कर दी राहुल गांधी से शिकायत, तो मंच से राहुल गांधी ने कर दिया ऐसा ऐलान कि हिल गए एमपी के सीएम मोहन यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों बीजेपी के छक्के छुड़ा रही है। इस यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ ने मोदी शाह की रातों की नींद उड़ा दी है। ये यात्रा बीजेपी के लिए गले की फांस बनती जा रही है। राहुल गांधी की ये यात्रा जिस भी राज्य से होकर गुजर रही है, वही बीजेपी के लिए चुनावों में कांटे बिछते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस यात्रा से इस बार के लोकसभा चुनावों में भाजपा के साथ कुछ ना कुछ घाटा जरूर होने वाला है। राहुल गांधी जहां भी पहुंच रहे हैं, वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता उन्हें अपनी परेशानी भी बता रही है और राहुल गांधी बिल्कुल एक जननायक की तरह उनकी बातों को सुन रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंची तो वहां लोगों ने उन्हें अपनी व्यथा राहुल गांधी को बताई। खासकर राहुल गांधी ने युवाओं से जब बात की तो उनका दर्द झलका और ये दर्द था पेपर लीक का, ये दर्द था युवाओं के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ का। राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र मंच से किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे एमपी के सीएम मोहन यादव हिल जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि एमपी के पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश लोगों का नाम है। राहुल गांधी ने ऐसे ही लोगों को एक्सपोज करने के लिए मंच से ऐलान किया जिससे मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों सकते में चले गए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस बयान को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान युवाओं ने मुझसे पेपर लीक की शिकायत की, इसलिए हम पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लाएंगे और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी हां, राहुल गांधी का कहना है कि पेपर लीक करने वालों को सजा मिलेगी। खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश में यात्रा में निकला तो बहुत सारे युवाओं ने कहा कि देखिए, हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम से एक दो दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, बेमानी से स्टूडेंट्स बेईमानी करके एग्जाम पास कर लेते हैं और जो ईमानदारी से काम करता है वो देखता रह जाता है। इसीलिए हम पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून लाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई होगी। और जो प्राइवेट आजकल जो नई बात निकली है कि पेपर को प्राइवेट कंपनियां चेक करेंगे कर रही हैं, इसको हम बंद कर देंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी पेपर को चेक नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी के इस बयान पर लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। एक्स सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देवव्रत मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, 22 साल की अग्निवीर रिटायर्ड करके घर भेजा जा रहा है, 73 साल का बुढ़ा अपने लिए एक और मौका मांग रहा है, ये अन्याय है, इसलिए भाजपा हटाओ देश बचाओ। जितेंद्र कुमार यादव नाम के यूजर लिखते हैं, आपका हाथ कांग्रेस के साथ, सबका विकास और पेपर लीक से मुक्ति, आपका एक वोट देश के हर युवा को रोजगार की गारंटी है। अभिषेक कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, सिर्फ राहुल गांधी जी ही मुद्दों की बात कर सकते हैं। राहुल गांधी लगातार एक्शन मोड में है और शायद कारण यही है कि अब बीजेपी की नींद भी उड़ गई है। वैसे राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्शन में ये बात कही है कि जो पेपर लीक मामले में दोषी होगा उसे सजा दी जाएगी, इसके लिए कानून बनाया जाएगा, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।